नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आरओसी के बारे में, बात करेंगे रेट ऑफ चांस के बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमें समय की कमी और थोड़ा सा काम ज़्यादा आ गया था, इसलिए हम वक्त नहीं दे पाए, तो थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो को। तो हम आज बात करेंगे आरओसी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद ये मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है वो हम आरओसी का टॉपिक, हम रेट ऑफ चांस का टॉपिक हम लगभग दो वीडियो में कवर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद आएगा कि आप उसमें खरीदी और रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये रेट ऑफ चांस काम कैसे करता है, इसके बारे में आज पूरी आपको डिटेल्स में जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चांसेस एक होते हैं कि काई जो आपकी प्राइस है उससे पहले जो आपका जो प्राइस था उसके आगे पीछे जब चल रहा होता है, तो अब इसके मदद से आप रेट ऑफ चांस आरओएस की मदद से समझो भाव अभी चल रहा है, समझो एक बेसलाइन होती है, ये जीरो की बेसलाइन होती है, इसके ऊपर चल रहा है इस तरीके से, तो एक समझो ट्रेंड आपको समझ में आता है कि यार चलो यहाँ पे ऊपर चला गया तो जीरो पे, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी तेजी में है, नीचे रहा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी मंदी में है। तो इस हिसाब से हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं और अच्छा खासा इसमें चांस बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसमें चांसेस रहते हैं कि मार्केट किस दिशा में हम जा सकता है या फिर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हम आज बात करेंगे। तो ये तो हो गया इसकी बात, एक इसमें क्या होता है एक बेस लाइन होती है, तो हम इसकी मदद से उसे थोड़ा सा इसमें जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरीके से आरओसी काम करता है, यानी कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करती है, तो हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम बताने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरीके से होता है। समझो इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, ये जीरो की लाइन होती है, एक बेस लाइन होती है, यानी कि रेट ऑफ चांस होता है, समझो नहीं क्या यहाँ पे। इसमें एक अगर मार्केट जो स्टॉक है वो अभी तेजी में है तो वो जीरो से ऊपर रहेगा, यानी कि जीरो के ऊपर ट्रेड करेगा, अगर मंदी में है तो ये समझो उसके नीचे ट्रेड करेगा, यानी कि इसके माइनस में जाएगा, जीरो के नीचे जाएगा। इसमें अगर इसमें 52 वीक अगर आपका चलता है, इसमें ऊंचा जहाँ पे प्राइस हाई बनाता है, यानी कि 52 का वीक का जो हाई है आपका जो अगर स्टॉक बनाता है और रेट ऑफ चांस नहीं क्या इससे नीचे समझो थोड़ा सा नीचे चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्टॉक में बहुत अच्छे से एक तेजी के संकेत आपको मिल जाते हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो टाइम फ्रेम रहती है लगभग ये 12 टाइम फ्रेम रहती है, यानी कि यहाँ पे दिनों की डेज की आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम ज्यादातर लोग पॉपुलर टाइम फ्रेम वही रहती है, यानी कि बाजार में प्रचलित है या फिर हम कह सकते हैं ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये 12 दिनों की टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके इसे ट्रेड कर सकते हैं या इस ट्रेड से बनाते हैं। कुछ सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कि समझो अभी स्टॉक का ग्राफ इस तरीके जा रहा है और यहाँ पे एक रेट ऑफ चांस है, तो इसमें कुछ यहाँ पे आता है और स्टॉक भी बिल्कुल इस दिशा में यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि रेट ऑफ चांस किस तरीके से काम कर सकता है। ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी जानकारी, नहीं क्या अब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जब हम चार्ट के ऊपर जाएंगे तो किस तरीके से आपको यहाँ पे रेट ऑफ चांस के आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे, बेस लाइन वगैरह सब कुछ। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आरओसी हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने चॉइस लगाई है 50-20 दिनों का लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन है, यहाँ पे जीरो की लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम समझो एक दिन का चार्ट ले रहे हैं, टाइम फ्रेम नीचे टाइम 12 दिनों की है, तो यहाँ पे देखिए बॉटम इसका, ये देखिए यहाँ पे बॉटम समझो, यहाँ ये इसका हाई देखिए और इसका ये हाई देखिए समझो, ये देखिए उसके बाद भी ऊपर चला गया है, लेकिन ज्यादातर हमें यहाँ पे यहाँ से नीचे स्टॉक आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नीचे आने के चांस, यहाँ पे इसने यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि इसने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ये नीचे आ रहा है स्टॉक,
फिर यहाँ पे अगर बुलिश स्टॉक है, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉक तो बुलिश जा रहा है समझो, यहाँ पे आप हाई देखिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे हाई देखिए यहाँ, ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये, यहाँ से ये नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मार्केट इस बॉटम पे आ गया यहाँ पे, ये समझ में, यहाँ से ये ऊपर चला गया, यहाँ से ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये नीचे आए, फिर यहाँ से ये नीचे आए, फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये यहाँ पे ऊपर चला गया, और फिर नीचे आया थोड़ा सा और ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे आया थोड़ा सा और ये यहाँ पे इस रेंज में मार्केट चला गया, इस रेंज में मार्केट चला गया, इसके नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, जहां भी यानी हम कह सकते कि जो पिछला भाव है उसके हिसाब से ये काम करता है समझो। यहाँ पे हाई दिखा रहा है समझो, आप कहेंगे यार यहाँ पे हाई दिखा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नहीं गया, यहाँ पे देख सकते कि ये रेंज कौन सी है, लगभग 21,500 की रेंज हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे टॉप पे बता रहे हैं, लेकिन वही रेंज आपको यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे समझो किसी एक आपको टाइम पे भी कराऊ, यहाँ पे समझो ये एक हाई आपको यहाँ पे बता रहा है, यहाँ ये रेंज कौन सी है समझो, यहाँ 21,500 की रेंज है समझो, हाँ यहाँ पे तो ये हाई यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ऊपर चला गया नहीं गया, लेकिन ये हमें पिछले यानी कि आपका जो पास्ट रहता है जो कल रहता है उस हिसाब से भाव के यहाँ पे चलता है समझो। यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा गया, यहाँ पे 22,000 से ऊपर चला गया, लेकिन आप अगर देखे तो यहाँ पे आपको 22,000 दिखाई देंगे मार्केट का यहाँ पे, लेकिन क्या है ये इस प्राइस से यहाँ पे, ये प्राइस कुछ भी कोई मैटर नहीं रखती, जब मार्केट यहाँ पे आता है ये वही प्राइस पे जहाँ पे पिछली का प्राइस रहती है ना उस पे मैटर करती है, ये दिखाता है तो इस हिसाब से नहीं गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, तब भी आपको यार 21,500 के नीचे नहीं आया, ये 22,000 के आसपास चल रहा था समझो इस तरीके से, यहाँ ये टाइम फ्रेम और ये 22,000 के रेंज है, लेकिन 22,000 के ऊपर भी चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 के आसपास ये, तो यहाँ पे इस रेंज से हिसाब से तो मार्केट बहुत हाई था, लेकिन यहाँ पे आपको टच किया कि यहाँ पे ये 22,500 पे इसने यहाँ पे टच किया, तो ये 21,000 और ये 22,000 ये रेंज में आपको समझना चाहिए पिछला यानी कि कुछ 12 दिनों का भाव आपको देखने का है, यानी 12 दिनों के भाव की ये तेजी या मंदी दिखाता है, यानी तेजी या मंदी दिखाता है, ये समझ में आना चाहिए। मैं कह रहा था यार ये ऊपर चला गया 21,000 और यहाँ पे दिखा रहा है 22,000, ये नहीं, 12 दिनों के पिछले का थोड़ा सा जो भाव है ना उसके हिसाब से आपको मार्केट में तेज आ रही है मंदी आ रही है वो दिखाता है, तो इस हिसाब से ये जो रेट ऑफ चांस है ये काम करता है। तो आज हमने वीडियो में बताने की कोशिश की कि रेट ऑफ चांस किस तरीके से काम करता है, और वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि इसमें खरीद और बिक्री इस तरीके से की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।